साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों इस वीडियो में हम जो BSTC कहें या DL.ED कहें, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, मेरे हिसाब से तो आजकल सेकंड ईयर में ही जो है लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, दैनिक शिक्षण योजना, ठीक है ना। तो अगर आप BSTC सेकंड ईयर में हैं या BED सेकंड ईयर में हैं या कुल मिलाकर चाहे किसी भी फैकल्टी में हैं, और अगर आपको लेसन बनाना है, दैनिक शिक्षण योजना की जो डायरी बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते जो हैं हम, पाठ योजना कहें, दैनिक शिक्षण योजना कहें, तो उसमें अंग्रेजी जो है, इंग्लिश का लेसन प्लान जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट देखेंगे। देखिए हम फॉर्मेट का मतलब कि कहाँ पर क्या लिखना है, ये अब बनाना कैसे है ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हम उसका फॉर्मेट देखेंगे कि कहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है ना। चाहे BSTC हो या BED हो, इंटर्नशिप के लिए दैनिक शिक्षण योजना की जो डायरिया बनाई जाती है उसमें लेसन प्लान जो बनाए जाते हैं उसमें अंग्रेजी का फॉर्मेट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप फॉर्मेट देखेंगे उसके हिसाब से आप जमा सकते हैं अच्छी तरह से, एकदम मस्त। मैं उदाहरण सहित एग्जाम्पल को लेकर आपको बताने वाला हूँ, तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले पाठ योजना, दैनिक शिक्षण योजना, लेसन प्लान हम कहते हैं एक ही बात। यहाँ तक कई बार क्या होता है कि देखिए अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग डायरियाँ दी जाती है, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मेट एक जैसा रहता है। कई डायरियों में क्या होता है कि पहले से ही ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाया जाता है, जैसे ये जो फॉर्मेट दिख रहे हैं ना, ये कुछ कॉलेजों में जो है पहले से ही दिया हुआ होता है फॉर्मेट, ये केवल आपको भरना होता है। और कुछ डायरियों में, कुछ विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, कुछ कॉलेजों की डायरियों में केवल और केवल ब्लैंक पेज दिया हुआ होता है जो आपको ये इस तरह से लिखना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर आप में ऐसा लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, इस तरह का फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने मन से लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पाठ संख्या देखनी है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, पाठ संख्या ऊपर ही ऊपर दैनिक शिक्षण योजना आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है, पाठ संख्या लिखना है। अगर आपके पहले से लिखा हुआ होता है, कई जैसे कई कॉलेजों में जो पहले से लिखा हुआ होता है, तो पाठ संख्या में सबसे पहले आपको जिस पाठ संख्या को आप बना रहे हो, ठीक है ना, जैसे हवा देश की देश का पल, या यूँ कहें कि अंग्रेजी में अगर मैं बात करूँ तो कक्षा पाँच में, अगर मैं बात करूँ RBSE कक्षा पाँच में, तो सबसे पहले अंग्रेजी में जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है वी शेल ओवरकम पार्ट का नाम है पहला पार्ट। तो पाठ संख्या आपको डाल देनी है जिस पार्ट का आप लेसन बना रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कक्षा हो, उसे कोई मतलब नहीं है, पाठ संख्या आपको डालनी है। पाठ संख्या जैसे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जैसे किसी की एक है ना, तो ऐसे एक है, दो है, जो भी जिसका भी आप पाठ बना रहे हो। उसके बाद दिनांक, जिस दिनांक को आप पाठ लेसन बना रहे हो उसकी नहीं डालनी है, जिस दिन आपने वो पाठ पढ़ाया। देखिए पाठ योजना का मतलब होता है जिस दिन आप पाठ पढ़ाते हो उसी दिन शिक्षण योजना बनाई जाती है, नियम तो ये कहता है। नियम के अनुसार क्या है कि जिस दिन पाठ पढ़ाया जाता है, जिस दिन शिक्षण करवाया जाता है, उसी दिन लेसन प्लान बनाया जाना चाहिए। जैसे आज मैं पहला पाठ पढ़ा रहा हूँ तो आज ही मुझे दैनिक शिक्षण योजना बनानी चाहिए, लेकिन आजकल क्या होता है कि उसके बाद ही बनाया जाता है, यहाँ पर दिनांक अलग डाल दी जाती है, उस दिन की डाल दी जाती है। जैसे 1 मार्च 2023 को मैंने पहला पाठ पढ़ाया, आज मैं डायरी बना रहा हूँ, लेकिन मुझे जिस दिन मैंने शिक्षण करवाया इस पाठ का उसकी तारीख यहाँ पर डाल देनी है ना। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिस विद्यालय में आप शिक्षण करवा रहे हो छात्र अध्यापक के रूप में, उस विद्यालय का नाम लिख देना है। उसके बाद कक्षा, किस कक्षा में आप शिक्षण करवा रहे हो, जैसे मैंने बताया जैसे कक्षा 5 है, ठीक है ना, पाठ संख्या 1 है, दिनांक 1 मार्च है, ठीक है ना, विद्यालय का नाम मेरे जो भी है ना, छात्र संख्या, कक्षा 5 में कितने छात्र संख्या है, छात्र कितने हैं, छात्र छात्राएं कितने हैं, जैसे 16 है उदाहरण के लिए, वो यहाँ पर लिख देने हैं। समय अवधि, कितने समय तक आपने शिक्षण करवाया, कितने टाइम तक आपने पढ़ाया, जैसे एक घंटा भी पढ़ाते हैं, 40 मिनट भी पढ़ाते हैं, आधा घंटा भी पढ़ाते हैं, इस तरह से। उसके बाद विषय का नाम लिखना है, मैं अंग्रेजी का बता रहा हूँ आपको, हिंदी का नहीं, तो आपको लिखना है इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश का ही बता रहा हूँ मैं, देखिए आपको हिंदी का नहीं, इंग्लिश आपको यहाँ पर लिख देना है। पाठ संख्या 1, प्रकरण, प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, जैसे पहला पाठ है, पहले पेट का नाम है RBSE कक्षा 5 का हम बना रहे हैं इंग्लिश में, जैसे मैं उदाहरण के लिए बना रहा हूँ, तो प्रकरण का नाम है वी शेल ओवरकम, होम होंगे कामयाब, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ये सब में सेम लिखना है। उसके बाद ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको,
महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिख रहे होंगे, इनको आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से लिखना है। ऐसा नहीं कि पॉइंट ऐसे के उसे उतार दो, ये तो हेडिंग के रूप में आपको डालना है। जैसे सबसे पहले आपको जनरल एम्स, जनरल एम्स का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य, आपने डाला जनरल एम्स, जनरल एम्स दो लाइनें खींची और फिर पॉइंट टू पॉइंट आपको जनरल एम्स लिखने हैं आपके अपने हिसाब से। जैसे वी शैल ओवरकम, ये एक पार्ट का नाम है, ठीक है ना, या यूँ समझ लो ओवर इंडिया, या यूँ समझ लो ओवर फ्लैग, हमारा राष्ट्र, ठीक है ना। जैसे यूँ समझ लो ओवर राजस्थान, ठीक है ना, ओवर राजस्थान, हमारा राजस्थान। तो हमारा राजस्थान में जनरल एम्स क्या है, किसके बारे में जानकारी देना, तो इंग्लिश में आपको जनरल एम्स लिखने हैं सारे के सारे। दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिक एम्स, सामान्य मतलब सामान्य उद्देश्य, इसका मतलब होता है विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य क्या है इंग्लिश में लिखना है, हेडिंग डालनी है स्पेसिफिक एम्स, फिर एक दो दो तीन इसे डालना। उसके बाद तीन नंबर वाला पॉइंट है टीचिंग मेथड, का मतलब होता है शिक्षण विधियाँ, यानी किस शिक्षण विधि से आप उनको शिक्षण करवा रहे हो। जैसे इसमें जैसे मैंने वी शैल ओवरकम्स का पार्ट का लेसन बनाया, तो टीचिंग मेथड में मैं क्या करूँगा, व्याख्या दूंगा, हम होंगे कामयाब। तो ये हो गया लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। तो इंग्लिश में आपको इस तरह से मेथड के नाम लिखने हैं नॉर्मल। टीचिंग एड्स का मतलब होता है टीचिंग मटेरियल जो है, जैसे चौक है, ब्लैक बोर्ड है, बुक है, चार्ट है, जिनका आप प्रयोग कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पर ग्लोब ला रहे हो आप, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, ये कविता है, तो इसमें मैं मतलब जो है ग्लोब को प्रयोग तो कर नहीं सकता। जिनका आप मटेरियल, जिन शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग कर रहे हो उनका नाम लिखना है नंबर डाल के। ये तो हेडिंग के रूप में डालना है, नीचे दो लाइनें खींचनी है, फिर नंबर एक अलग अलग नाम लिखना है। प्रीवियस नॉलेज, इसका मतलब पूर्व ज्ञान, बच्चे इसके बारे में क्या जानते हैं। जैसे आपने पढ़ाया, जैसे ये वी शैल ओवरकम हम पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में हम होंगे कामयाब, इसके बारे में, इस पाठ के बारे में बच्चे पहले से क्या जानते हैं, अंग्रेजी में आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, अच्छा सा है, इंट्रोडक्शनरी क्वेश्चन, है ना, इंट्रोडक्शनरी जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए आपको ऐसी सारणी बनानी पड़ेगी। पपल्स टीचर्स एक्टिविटीज़, छात्र अध्यापक क्रिया, और ये जो है ये तो टीचर छात्र अध्यापक छात्र क्रिया सॉरी अध्यापक क्रिया और ये छात्र क्रिया। आपने क्वेश्चन पूछे है ना कि कितने रंग होते हैं फ्लैग में, तो ये बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे। तो इस तरह से आप पूरी सारणी बना देंगे, मैं केवल एक फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ऐसी सारणी में लगभग 10-15 आप जितने भी चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, और उत्तर देते जाएंगे, उनकी एक्टिविटी वो करते जाएंगे, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और उत्तर देते जा रहे हैं। अगला होगा पर्पज स्टेटमेंट, यानी आपका जो है लक्ष्य पूरा हो, कैसे हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में आपको नॉर्मल लिख देना है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन, और उसके बाद है लास्ट अंतिम में इवैल्यूएशन, मूल्यांकन आपको करना है कि इतने समय क्या सीखा है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, ये मैंने फॉर्मेट बताया, इसके हिसाब से आप चलते जाइए, है ना। आप जनरल एम्स डाला और 8-10 पॉइंट लिख दिए, स्पेसिफिक एम्स डाला हेडिंग पर और 10-12 पॉइंट लिख दिए उस पार्ट के बारे में, है ना। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश में जैसे ओवर बॉडी एक लेसन आता है, इस पर हम जैसे कि कोई बना रहे ओवर बॉडी, तो ओवर बॉडी यहाँ पर लिख दिया, कितने समय पढ़ाया, कौन सी कक्षा का पार्ट है, ये पार्ट संख्या लिख दी, है ना, जिसका नाम ये विषय इंग्लिश है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट, चाहे कोई सा भी पार्ट हो अंग्रेजी में, ये सारे यही रहेगा। ओवर बॉडी जनरल एम्स में क्या है, सामान्य उद्देश्य क्या है, कि बॉडी में कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये क्या काम देते हैं, ये नॉर्मल लिख देना है। तो इस तरह से मैंने आपको फॉर्मेट बताया क्या, ठीक है। अगर आपको चाहिए पूरा का पूरा तो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, कैसा लगा पूरी जरूर बताएं।